इंडिया की जी देखिए क्या क्या फेलियर्स है, बिग थ्री बनाया आपने पहले इस चक्कर में कि जी अंदर ही रहेगी मोनोपोली बन जाएगी, फिर आपने जी पाकिस्तान और छोटी टीमों को, बहुत सारी छोटी टीम जो इतना पैसा नहीं है उनको आपने प्रेशर में रखा, कभी अंपायर खरीद दिए, कभी उनको जानबूझ के मैच हार गए तो फिर अपना फाइनल करा लिया, ऐसा के ड्रामे बहुत करवाए हैं आपने। फिर आपके पास आईपीएल होती है, आप इन सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बनाए, जो अहमद ने पॉइंट आया कि इतने से आप बना रहे हैं प्लेयर्स तो कहाँ जा रहे हैं, और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आपने सारी की, क्या ये वर्थ इट थी? आपने 2013 में आखिरी जीता था कोई बड़ा टूर्नामेंट और वो था चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल में, तो ये 2013 से लेके 2022 हो गया कुछ बड़ा, इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है। मैं प्लेयर्स के नाम बताऊं आईपीएल के जिनको नहीं, ये लोग अपनी मर्जी की, संजू सैमसन उसको नहीं लिया, संजू आईपीएल का बड़ा प्लेयर, और श्रेयस आयर उसको नहीं लिया, मोहम्मद सिराज उसको नहीं लिया, इन्होंने शरदुल ठाकुर, ईशान किशन, इन्होंने कितने लोगों को नहीं लिया, ये सिर्फ अपनी मर्जी की इन्होंने टीम बनाई जिसका आईपीएल से क्या फायदा हो रहा है। लेकिन हार्दिक वगैरह तो वो तो आईपीएल से आए हैं, ये यादव जो है सूर्य कुमार तो ठीक है, दो तो सारे आए हैं, लेकिन अगर जो बाकी रह गए वो किसने, रवीश बिश्नोई आया था एक बॉलर, वो कहाँ चला गया, वरुण चक्रवर्ती आया था पिछले साल वर्ल्ड कप में, कहाँ चला गया, बॉलर भी गायब, सब गायब।